संविधान के ऊपर ही इनकी 2019 में सरकार बनी है। देखिए जनरल सतबीर अगर यहाँ धरना प्रदर्शन में हमारे सपोर्ट में आएंगे ना, उनको यहाँ से किक आउट कर देंगे हम। हम पूर्व सैनिक का नाक से दूध गिरने वाला नहीं है। हमको उन्होंने 14 नवंबर 2022 के आंदोलन में गुमराह इस तरह कर दिया, उसका आउटपुट हमें ओरोप 2 में मिल गया। समझ गए, ओरोप जवान और जेसीओस के लिए था। क्योंकि हम लोग कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, और यही हवाला ये आज तक जनरल सतबीर बख्शी और जो भी टीम है, जिसने भी हमारे जवान और जेसीओ के पेट में छुरा घोपने का काम किया, पीठ में छुरा घोपने का काम किया है, उन्होंने एक चाल के तहत इस बार जो 23,000 करोड़ रुपया ओरोप 2 में आवंटित किया गया, उसका 85% पैसा जो है वो अपने खाते में ले एमएसपी है। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में इन्होंने सेना में फूट डालने के लिए क्या किया, 2014 से पहले वाले प्रीमेच्योर को दे दिया ओरोप का लाभ, थोड़ा बहुत बाद वाले को नहीं दिया। सर्विस पेंशन में बहुत बड़ा भेदभाव है, जिसको फिटमेंट फैक्टर में आप देख रहे हैं कि जवान का मूल वेतन भी कम होता है और इनको 2.57 के गुणक में दिए। आपकी मांगे कब पूरी होगी? देखिए हमारी मांग कोई गैर संवैधानिक मांग नहीं है। सरकार को ये चीज़ अल्टीमेटम के तौर पे, हम लोगों ने जब 20 फरवरी को धरना शुरू किया था उस दिन के बाद से रोज़ कुछ कहीं ना कहीं आप लोग मीडिया बंधु के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंच रही है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने 3 अप्रैल को सभी जो जितने 642 जिले हैं या जितने भी जिले हैं उसमें हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को मैसेज दिया और वो महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन आया भी। हमें सारा इनपुट है, हमारे माननीय लोकेंद्र जी हैं, लोकेंद्र जी ने कहा कि 40 सांसदों ने माननीय रक्षा मंत्री को ये बात बताया है कि आखिर सैनिक धरना पर बैठे हुए हैं, उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, उनके साथ जो ओरोप 2 में इनजस्टिस हुआ है उस पर पुनर्विचार किया जाए और ओरोप 2 को पुनर्संशोधित किया जाए। अगर संशोधित नहीं किया जाएगा तो हम लोग का शेड्यूल आगे बढ़ेगा। देखिए हम लोग अनुशासित संस्था के हैं, देश के सर्वोच्च अनुशासित संस्था भारतीय सेना होती है, जिसके विंग आर्मी एयरफोर्स और नेवी होते हैं, और आर्मी एयरफोर्स नेवी में अधिकतम संख्या जो है 97% संख्या हम जवान और जेसीओस का होता है, और जवान जेसीओ आज सड़क पे आंदोलन पे हैं। यह कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की वैमनस्यता और केंद्र सरकार की अनमनस्कता दोनों, और अब तो यहाँ तक कहेंगे कि उनकी गिरती हुई मानसिकता, उनके घमंड के परिचायक हम उधर सैनिक आज आंदोलन पे। आप 20 फरवरी से लेके आज तक धरना प्रदर्शन को बहुत बारीकी से आपने देखा, 100 दिन हो गए। सरकार है कि आप लोगों की बात एक भी सुनने को तैयार नहीं, ऐसा क्या पूर्व सैनिकों ने देश के लिए अपना बलिदान उनको याद नहीं है क्या सरकार? देखिए देश के बलिदान के ऊपर ही इनकी 2019 में सरकार बनी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जवान और किसान कहने वाली सरकार को पूर्ण बहुमत भारत के लोगों ने फुल मैंडेट दिया और इनकी सरकार बनी। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि आज हमारे जवान और किसान दोनों सड़क पे आंदोलन के लिए बाध्य हो गए, मजबूर होकर के। हम नहीं तो इतिहास पलट के देख लें, आज तक भारत के जवान सैनिक लोग कभी आंदोलन नहीं किए, लेकिन हमें मजबूर कर दिया गया, भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों को मजबूर कर दिया गया, इतना मजबूर कर दिया कि आज हम हार करके, चाहे वो हमारे घर के बेदी हमारे जनरल सतबीर जैसे लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, चाहे वो सरकार विश्वासघात करे, लेकिन विश्वासघात सेना के 28 लाख पूर्व सैनिकों, जिसमें 7.5 लाख हमारी वीरांगनाएं हैं, हमारी माताएं हैं, जिन्होंने अपना सुहाग खो दिया इस देश के लिए, सारे के सारे खून के आंसू रो रहे हैं। इसलिए हम उम्मीद पर लगाए हुए हैं, चूंकि ओरोप तो इसी सरकार ने दिया था, हमें अभी भी उम्मीद है, और हम कोई गलत हरकत नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसा असंवैधानिक कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे किसी सरकार के इमेज पे धक्का लगे या सेना के इमेज पे धक्का लगे। हम बिल्कुल संवैधानिक तरीके से 20 फरवरी से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। अब सरकार नहीं सुन रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। सर इस बात का तो डिसिप्लिन जो है सेना के अंदर है ही है, सेना के अंदर देश में सैनिक जो होता है बहुत डिसिप्लिन होता है। आज 100 दिन हो गया, मैं लगातार बहुत करीब से मैं भी कवर कर रहा हूँ, इन्होंने आज तक मोदी साहब या सरकार के खिलाफ एक भी वर्ड का वो नहीं। ना बिल्कुल, हमारे जितने भी आप मीडिया बंधु से मुखातिब होते हैं, हमारे सैनिक साथी सभी कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री माननीय रक्षा मंत्री, हम गलत बोल ही नहीं सकते क्योंकि वो हमारे माननीय हैं।
पे नहीं आते हैं, अगर वो ओरोक टू में संशोधन नहीं करते हैं तो हम 28 लाख पूर्व सैनिक हैं। और हमारी जो मांग है जिसमें आप देख रहे होंगे इक्वल एमएसपी की बात हो रही है, वो हार्डनेस अलाउंस है, वो इक्वल एमएसपी है। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में इन्होंने सेना में फूट डालने के लिए क्या किया, 2014 से पहले वाले प्रीमेच्योर को दे दिया ओरोक का लाभ थोड़ा बहुत, बाद वाले को नहीं दिया। सर्विस पेंशन में बहुत बड़ा भेदभाव है, जिसको फिटमेंट फैक्टर में आप देख रहे हैं कि जवान का मूल वेतन भी कम होता है और इनको 2.57 के गुणक में दिया गया। अधिकारियों का मूल वेतन भी 2 लाख 2.5 लाख होता है और उनको 2.81 के गुणक में बढ़ाया गया है पे कमीशन में। तो ये जो पार्शियलिटी हुई है ये इनजस्टिस है टोटली। आप डिसेबल पेंशन में जाके देखेंगे, हमारे हाथ में गोली लगी, हमारा हाथ कट गया, एक ऑफिसर का हाथ कट गया, ऑफिसर को 2.5 लाख रुपये मिलता है उसका भत्ता अलग से मेडिकल का, और जवान को 17,000 मिलता है, जबकि पे बैंड अलग है, वेतन अलग है। हम वेतन की तो बात ही नहीं कभी करते, हम तो भत्ते की बात करते हैं कि उसमें इक्वलिटी होना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही हमारा कहना है। और इस पर अगर सरकार नहीं वापस बैकफुट पे आती है, चूंकि ओरोप जवान और जेसीओस के लिए था, चूंकि हम लोग कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, और यही हवाला ये आज तक जनरल सतवीर बख्शी और जो भी टीम है जिसने भी हमारे जवान और जेसीओ के पेट में छुरा घोपने का काम किया, पीठ में छुरा घोपने का काम किया है, उन्होंने एक चाल के तहत इस बार जो 23,000 करोड़ रुपया ओरोप टू में आवंटित किया गया उसका 85% पैसा जो है वो अपने खाते में ले लिए, और 4-4, 5-5 लाख एरियर उनको मिला। हमारे कुछ जवान को 20,000, 24,000, 19,000 की बढ़ोतरी हुई टोटल एरियर्स में। और जो सीनियर हमारे वरिष्ठ जो भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, जो जेसीओ वगैरह थे, ऑनडी हैं, उनको कहीं कोई माइनस में चले गए, कोई 1600 माइनस, कोई 2100 माइनस, ये अशोभनीय नहीं है क्या? अपना तो वेतन भत्ता वो रोज बढ़ा लेते हैं, 3-3, 4-4 वेतन भत्ता पेंशन ले रहे हैं माननीय मंत्री लोग, विधायक लोग, वो अपना उनको नहीं दिखता। मगर ये जो सैनिक जो सियाचिन ग्लेशियर में उतनी माइनस टेम्परेचर में दराज और कारगिल में ड्यूटी करके आते हैं, ऑपरेशन लड़ते हैं, राजस्थान की रेतीली वादियां आप जाके देखिए, -50 में जाकर के +50 में तपती गर्मी में हमारे जवान वहाँ खड़े रहते हैं, क्या इनको मिलना चाहिए या अधिकारी जो एसी में जो रहते हैं उनको मिलना चाहिए? हाँ, चूंकि उनका वहाँ पे लिंक है, ये जनरल सतवीर या उनके जो टीम है जिसने भी हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, ये डायरेक्ट सरकार में कहीं ना कहीं इनका दखलंदाजी है। नहीं, जनरल सतवीर आए थे भी धरना प्रदर्शन, मरहम लगाने काम कर रहे थे, ये पूर्व सैनिक हमारे हैं, हम इनके साथ हैं, लेकिन वो एक दिन भी धरना प्रदर्शन में पूर्व सैनिकों के नहीं दिखे। देखिए, जनरल सतवीर अगर यहाँ धरना प्रदर्शन में हमारे सपोर्ट में आएंगे ना, उनको यहाँ से किक आउट कर देंगे हम। हम पूर्व सैनिक का नाक से दूध गिरने वाला नहीं है। हमको उन्होंने 14 नवंबर 2022 के आंदोलन में गुमराह इस तरह कर दिया, उसका आउटपुट हमें ओरोप टू में मिल गया, समझ गए ना? तो जनरल सतवीर को हम लोग किक आउट यहाँ से कर देंगे, और जनरल सतवीर इस चीज को भली भांति समझते हैं। उसी का कारण था कि शनिवार को हमारे धरना प्रदर्शन में उनके एजेंट लोग जो 20-25 लोग यहाँ आए और यहाँ धक्का मुक्की किए हैं, और हमारे जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था उसको जो है धूमिल करने की कोशिश किए हैं, ये जनरल सतवीर के ही एजेंट।